दलितों पर सरकार का जो धर्म संकट है, अब इसकी बात करेंगे। उनको परेशान किया जा रहा है, थाने में ले जाके पीटा जा रहा है, फर्जी केसेस लगाए जा रहे हैं। सबके पास मैं गया था अपनी पीड़ा लेकर के, अपनी बात कर। अनुसूचित वर्ग और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग बड़े पैमाने पर अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर भारत के संविधान में व्यवस्था न दिए होते तो हमारे बहुजन समाज का अधिकार आज नहीं मिला होता। जो बयानबाजी की जा रही है वह केवल उनकी कोरी स्वार्थ की राजनीति व नाटकबाजी ही ज्यादा लगती है। दलितों के मुद्दे पर बीजेपी घर से लेकर बाहर तक घिर गई है। पार्टी के ही दलित सांसदों ने मोर्चा खोल दिया, तो वहीं विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। यूपी के बीजेपी के दलित सांसदों की नाराजगी के बाद पीएम मोदी एक्शन में हैं। कल शाम अचानक यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दरअसल यूपी के सांसदों ने चिट्ठी लिखकर पीएम मोदी से नाराजगी जताई थी। पीएम मोदी यूपी के दलित सांसदों के दर्द पर मरहम लगाने की कोशिश कर रहे थे कि दिल्ली से पार्टी के ही एक और दलित सांसद ने मोर्चा खोल दिया। उदित राज ने 2 अप्रैल के प्रदर्शन में शामिल होने वाले दलितों के टॉर्चर का आरोप लगाया है। इन सब के बीच दलित के मुद्दे पर विपक्ष भी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर ले रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि दलितों के साथ जो कुछ हो रहा है वो बेहद डरावना और घिनौना है, प्रधानमंत्री चुप क्यों है। वहीं मायावती ने बीजेपी के दलित सांसदों की नाराजगी को कोरी नौटंकी करार दिया है। यूपी के दलित सांसदों की नाराजगी के बीच दिल्ली से बीजेपी के दलित सांसद उदित राज ने बड़ा आरोप लगाया। उदित राज ने कहा कि भारत बंद में जिन दलितों ने हिस्सा लिया था उन पर तरह तरह से अत्याचार किए जा रहे हैं और ये सब रुकना चाहिए। दुख की बात है कि 2 तारीख के बाद 3 तारीख 4 तारीख 5 तारीख जो कर्मचारियों ने भाग लिया उनको परेशान किया जा रहा है और थाने में ले जाके पीटा जा रहा है जो आंदोलनकारी थे और उनके ऊपर फर्जी केसेस लगाए जा रहे हैं। बाड़मेर से और जालौर से, जयपुर से, करौली जो राजस्थान है वहाँ से लोग चिल्ला रहे हैं, फ़ोन पर चिल्ला रहे हैं, और ग्वालियर से भी, बुलंदशहर से भी। तो मेरा सरकार से आग्रह है, इसीलिए मैं ट्वीट किया था, आग्रह है कि इसकी वो देखे और जो अधिकारी पूर्वाग्रहित है, जातिवादी हैं और सामंतवादी हैं, वो लोग अत्याचार कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं क्यों नाराज हैं यूपी से आने वाले दलित बीजेपी सांसद। यूपी के रॉबर्ट्सगंज से दलित सांसद छोटे लाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में जिला के अफसरों पर उत्पीड़न करने के आरोप लगाए। दावा किया कि जब उन्होंने इसकी शिकायत सीएम योगी से की तो उल्टे सीएम ने उन्हें डांट दिया। छोटे लाल ये आरोप लगा रहे। वहीं यूपी के ही बहराइच की दलित सांसद सावित्री बाई फुले ने भी योगी सरकार से नाराजगी जाहिर की है। सावित्री बाई फुले का आरोप है कि दलितों का आरक्षण खत्म करने की साजिश हो रही है। यूपी के नगीना से दलित सांसद डॉक्टर यशवंत सिंह ने भी पीएम मोदी को चिट्ठी लिख दी है। इस चिट्ठी में उन्होंने दलितों के हित में 4 साल के भीतर एक भी काम नहीं होने की बात कही है। यूपी के इटावा से सांसद अशोक कुमार दोहरे ने भी पीएम मोदी को चिट्ठी लिख दी है और यूपी में दलितों का उत्पीड़न और झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगा दिया है।